Okay, now we start today's class. So in last class we have a study about consistency, है ना, utter work limit, different utter work limit. So what is the different utter work limit? What is the utter work limit? I am audible to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. ओके सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अटर वर्क लिमिट. अटर वर्क लिमिट्स ओके. फर्स्ट इज द सॉलिड लिमिट. सॉलिड लिमिट रिप्रेजेंट बाय डब्ल्यू इज ऑल्सो called shrinkage limit. Second is the semi-solid limit. Semi-solid limit. Third is the plastic limit. Second is the plastic limit. Plastic limit represented by WP. Third is the liquid limit represented by WL. This is the solid limit or shrinkage limit. Shrinkage limit. Okay. This is the utter work limit. क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, है ना. एंड व्हाट इज द कंसिस्टेंसी? व्हाट इज द कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी इज अ इंडेक्स प्रॉपर्टी विच शो हाउ सॉइल इज टेंस टू फ्लो, है ना. हाउ मच, कितना हमारा सॉइल में डिफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर हाउ मच शियर स्ट्रेंथ हैव सॉइल, मतलब शियर स्ट्रेंथ में कितना सॉइल है. आइदर शियर ड्यू टू लेस ऑफ शियर स्ट्रेंथ सॉइल हमारा कितना डिफॉर्म हो सकता है, कितना फ्लोएबल सॉइल है, है ना. ये हमारा क्या शो करता है? कंसिस्टेंसी. ठीक है, तो हमने लिक्विड लिमिट के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज द लिक्विड लिमिट? व्हाट इज द लिक्विड लिमिट? लिक्विड लिमिट से क्या समझते हो? लिक्विड लिमिट एंड हाउ वी मेजर बाय एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एल. तो मैंने बताया था लिक्विड लिमिट इज मेजर्ड बाय कैसे ग्रांडे अपरेटस ओके. एंड इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ आईएफ, दैट इज फ्लो इंडेक्स. सो व्हाट इज द फ्लो इंडेक्स? फ्लो इंडेक्स इज W1 माइनस W2 बाई log 10 n2 माइनस n1, है ना. कैसन ग्रांडे अपरेटस क्या होता है? एक हमारा कुछ इस तरह का सेमी सर्कुलर डिवाइस होता है, इधर से एक की लगा रहता है जिससे कि ये अप एंड डाउन होता है इसकी की को रोटेट करने से. तुम लोगों ने सेमेस्टर में पढ़ा होगा ये चीज. तो नंबर ऑफ फ्लो पे इसमें जो सैंपल हमने रखा है दैट हैव सम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट, है ना. तो नंबर ऑफ फ्लो पे कितना मेरा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फ्लो पे सैंपल में कितना मूवमेंट हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय फ्लो इंडेक्स आईएफ, है ना. W1 एंड W2 इज द वाटर कंटेंट एंड N1 एंड N2 इज द नंबर ऑफ फ्लो. ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. सेकेंड लिमिट इज द प्लास्टिक लिमिट. व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक लिमिट? प्लास्टिक लिमिट का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, हमने क्लास में डिस्कस किया था. व्हाट इज प्लास्टिक लिमिट? हाउ वी मेजर? व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक लिमिट?
सो प्लास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट इन विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी. सो प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब क्या? प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब क्या? सेमी सॉलिड है. सेमी सॉलिड. कंसिस्टेंसी ग्राफ ध्यान से देखो कैसा था, कुछ इस तरह का था. दिस इज द डब्ल्यू एस, दिस इज द डब्ल्यू पी एंड दिस इज द डब्ल्यू एल. ओके, दिस पार्ट इज सॉलिड, दिस पार्ट इज सेमी सॉलिड, दिस पार्ट इज प्लास्टिक, है ना, दिस पार्ट इज प्लास्टिक एंड दिस पार्ट इज लिक्विड. सो दिस रीजन इज द प्लास्टिक रीजन, है ना. दिस लिमिट इज द प्लास्टिक लिमिट. तो हाउ वी डिफाइन प्लास्टिक लिमिट? प्लास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज मिनिमम वाटर कंटेंट इन विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज. मतलब प्लास्टिक स्टेज कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट. फ्रॉम दिस पॉइंट हमें क्या मिल रहा है? प्लास्टिक स्टेज ऑफ सॉइल. बिफोर दिस लिमिट ये कौन सा स्टेट है? दिस इज द सेमी सॉलिड स्टेट. ठीक है ना, ठीक है. तो एट प्लास्टिक लिमिट सॉइल पासेज फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना. एट प्लास्टिक लिमिट, एट प्लास्टिक लिमिट पे हमारा क्या होता है? सॉइल पासेज थ्रू सेमी सॉलिड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेज, है ना, प्लास्टिक स्टेज में पास करता है. क्लियर है? एंड हाउ वी डिफाइन? तो इसके लिए मैंने एक डेफिनेशन दिया था कि अगर हम लोग 3 mm थ्रेड सॉइल का थ्रेड बनाते हैं, देन इफ थ्रेड ऑफ सॉइल बिगिन क्रम्बल, देन वी कैन से सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज. याद है डेफिनेशन? सो प्लास्टिक स्टेज ऑफ सॉइल मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड ऑफ 3 mm डायमीटर. व्हेन हम लोग क्या करते हैं, 3 mm डायमीटर का थ्रेड फॉर्म करते हैं सॉइल में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट मिक्स करके, देन इफ थ्रेड बिगिन टू क्रम्बल, जस्ट क्रम्बल करना स्टार्ट किया, है ना, जस्ट क्रम्बल करना स्टार्ट किया एट दिस स्टेज ऑफ सॉइल, एट दिस स्टेज ऑफ वाटर कंटेंट, वी कैन से प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल. ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट पे सॉइल हम सॉइल में वाटर मिलाएंगे, दैट अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा उस सॉइल के लिए? हमारा प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा. ये कंसिस्टेंसी हम जो भी कैलकुलेट करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ वाटर कंटेंट, है ना. जैसे कि हमने लिक्विड लिमिट कंटेंट किया, लिक्विड लिमिट जो हमने कैलकुलेट किया, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर. लिक्विड लिमिट मतलब क्या? एट विच अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल कैन फ्लो, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट किया. उस तरह से जब हमने प्लास्टिक लिमिट कैलकुलेट किया, तो एट विच अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज. तो प्लास्टिक स्टेज को कैसे डिफाइन किया? कि जब हम लोग सॉइल का 3 mm थ्रेड बनाएंगे और वो जस्ट बिगिन क्रम्बल करेगा, मतलब जस्ट टूटना शुरू करेगा, एट दिस स्टेज वी कैन से सॉइल इज इन प्लास्टिक लिमिट. मतलब हमने जो वाटर मिलाया है उस सॉइल में, वो हमें क्या दे देगा? प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल दे देगा. क्लियर है प्लास्टिक लिमिट? क्लियर है सबको प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. Next is the shrinkage limit. What is shrinkage limit? What is shrinkage limit? What is shrinkage limit? ओके, फॉर प्लास्टिक लिमिट वी कैन ऑल्सो वन पॉइंट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि फॉर ग्रेवल एंड सैंड,
फॉर ग्रेवल एंड सैंड के लिए लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट जनरली क्या होता है, सेम होता है। तो जस्ट इमेजिन फॉर ग्रेवल एंड सैंड का प्रॉपर्टी, ग्रेवल एंड सैंड का प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या होता है, हम लोग थ्रेड बना सकते हैं क्या ग्रेवल और सैंड का? ग्रेवल और सैंड का कोई थ्रेड बना सकते हैं क्या? आइदर हमें इतना ही पानी मिलाना होगा कि वो फ्लो कर सके, ठीक है। तो जनरली फॉर ग्रेवल एंड सैंड लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑलमोस्ट कॉन्साइड, है ना, ऑलमोस्ट कॉन्साइड, समझ में आ रहा है। हम लोग सैंड और ग्रेवल के लिए जनरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट में। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है, मोस्ट ऑफ जो कंसिस्टेंसी का जो प्रॉपर्टीज है, वो मोस्ट ऑफ किस सॉइल में देखा जाता है? फाइन सॉइल में, ठीक है। कंसिस्टेंसी किस सॉइल में जनरली डिफाइन किया जाता है? फाइन सॉइल में। तो ग्रेवल एंड सैंड के लिए अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट इज एट सेम वाटर कंटेंट, क्लियर है, ये भी याद रखने वाली बात है। एंड फॉर क्ले एंड सिल्ट, फॉर क्ले एंड सिल्ट में किसका लिक्विड लिमिट हायर होगा और प्लास्टिक लिमिट हायर होगा? व्हाट लिमिट इज हायर? लिमिट मतलब वाटर कंटेंट, आइदर लिक्विड लिमिट आइदर प्लास्टिक लिमिट। फॉर क्ले और सिल्ट, जनरली क्ले और सिल्ट को फाइन सॉइल में रखा गया है, तो क्ले और सिल्ट के लिए ही हम कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स कि डिफरेंट कंसिस्टेंसी लिमिट कैलकुलेट करते हैं। सो तो प्लीज आंसर कि फॉर क्ले एंड सिल्ट के लिए विच लिमिट इज हायर, आइदर लिक्विड लिमिट आइदर प्लास्टिक लिमिट? प्लास्टिक प्लास्टिक लिमिट हायर होगा। लिमिट मैंने क्या बताया, लिमिट मतलब क्या हमें शो कर रहा है? का अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर के टर्म में सोचो ना कि लिक्विड लिमिट में अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगा या प्लास्टिक लिमिट में अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगा? लिक्विड लिमिट लिक्विड लिमिट। तो फॉर क्ले एंड सील्ड के लिए क्या होगा, लिक्विड लिमिट इज हायर देन प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट, व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट? श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? रिप्रेजेंट बाय डब्ल्यू एस। हाउ वी डिफाइन श्रिंकेज लिमिट? सो श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट बिलो विच एनी रिडक्शन इन वाटर कंटेंट डज नॉट लीड टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। डिफिनेशन अच्छे से सुनो और समझो कि श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। श्रिंकेज लिमिट हमारा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है बिलो विच अगर हम वाटर कंटेंट रिड्यूस करते हैं, देन नो चेंज इन वॉल्यूम, है ना, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। मतलब क्या कि हमारे पास ये सॉइल सॉलिड, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे एयर, वॉल्यूम इज वी। अभी हमारा वॉल्यूम क्या है? वी। वाटर कंटेंट मान लो है हमारा 50%, ठीक है। ये स्टेज एट 50% वाटर कंटेंट पे हमारा जो सॉइल है, दैट इज इन सॉलिड स्टेज। सॉलिड स्टेट मतलब क्या, ये वाली स्टेज है कि ये वाली स्टेज है डब्ल्यू एस, मतलब बिफोर इट हमारा क्या हो जाएगा, इन सॉलिड, और आफ्टर इट सेमी सॉलिड। बट हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमने वाटर कंटेंट मिलाया दैट इज 50%, या फिर ऑल्सो वी कैन से डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस इज वाटर कंटेंट, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, श्रिंकेज लिमिट। तो डब्ल्यू एस इज द वाटर कंटेंट, ए इज द एयर, एंड सेमी सॉलिड एस सॉलिड क्या है, सॉइल सॉलिड इज एयर।
सॉइल सॉलिड, वॉल्यूमेज वी है ना, वॉल्यूमेज वी, दिस इज इन, ये हमारा क्या दे देगा, सिंकेज लिमिट। अगर ये वॉल्यूम वी है, अगर हमने अभी क्या किया, हमने वाटर कंटेंट को डिक्रीज किया है ना, डिक्रीज किया किससे, डब्ल्यू एस से लेस किया है ना, डब्ल्यू एस से लेस किया, बट देर इज नो एनी रिडक्शन इन वॉल्यूम। हमने वो यहाँ पे वाटर कंटेंट रिड्यूस किया लेकिन हमारे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम मेरा डिक्रीज नहीं कर रहा है ना। वाटर को मैंने, अभी मेरा वॉल्यूम ये था, अगर हमने वॉल्यूम को डिक्रीज किया, हमने वॉल्यूम को डिक्रीज किया, सॉरी वाटर को डिक्रीज किया, तो हमारा वॉल्यूम रिड्यूस होना चाहिए था लेकिन वॉल्यूम रिड्यूस नहीं हुआ, वॉल्यूम मेरा कॉन्स्टेंट है। एट दिस स्टेज वी कैन से क्या, सिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल, मतलब सिंकेज लिमिट वो स्टेज, वो अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है बिलो विच इफ एनी रिडक्शन इन वाटर कंटेंट देन देयर इज नो चेंज, नो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल में चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मेरा कम नहीं होगा, जो वाटर कंटेंट हमने मिलाया उस पे जितना हमें वॉल्यूम मिल रहा है सेम वॉल्यूम मिलेगा उससे कम वाटर कंटेंट पे, दैट इज द सिंकेज लिमिट। सो इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज स्टिल कम्प्लीटली सैचुरेटेड। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉइल हमारा क्या है एट दिस स्टेज पे, सैचुरेटेड है, ठीक है। सिंपल सा डिफिनेशन है कि सिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट बिलो विच इफ एनी रिडक्शन इन वाटर कंटेंट देन देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ठीक है। अगर हम वाटर कंटेंट को हटाकर अगर एयर को ही रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट, वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ सिंकेज लिमिट, ठीक है। ओके, तो सिंकेज लिमिट क्लियर है। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिंकेज लिमिट इन एक्सपेरिमेंट इन लैबोरेटरी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें बस शो करना होगा कि हमारा जो वॉल्यूम है दैट इज कॉन्स्टेंट है ना, वॉल्यूम हमारा कॉन्स्टेंट है अगर हम लोग वाटर कंटेंट चेंज कर दें तो भी, ठीक है। एक टर्म है सिंकेज रेशियो, सिंकेज रेशियो What is sinkage ratio? Sinkage ratio is defined as the change in volume of the soil, change in volume of the soil expressed as the percentage of dry volume of soil to the corresponding change in water content, to the corresponding change in water content, ठीक है। This gives shrinkage ratio, ये क्या है हमारा, ये है change in volume, V1 minus V2 है ना, V1 minus V2 is the change in volume of soil, ठीक है। change in volume का percentage, change in volume of soil का percentage to W1 minus W2 is the water content. Water content ये कौन सा है? Water content ये कौन सा है? जो हम लोग change कर रहे हैं. If the sinkage limit के time में जो water content change कर रहे हैं, उस time का water content है. ठीक है? तो this is for calculation of sinkage ratio. तो sinkage limit के लिए बस definition ध्यान रखना है कि at sinkage limit there is no change in volume. है ना, बस ये लाइन याद रखना है कि सिंकेज लिमिट पे अगर हम लोग वाटर कंटेंट डिक्रीज करते हैं तो भी हमारा
वॉल्यूम में रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर मेरा सिंकेज रेशियो ज्यादा है, मतलब सॉइल का प्रॉपर्टीज कैसा होगा? अगर मेरा सिंकेज रेशियो ज्यादा है, ये वैल्यू अगर ज्यादा है, मतलब क्या? ये वैल्यू ज्यादा है, चेंज इन वॉल्यूम अगर ज्यादा हो रहा है ना, अगर आर का वैल्यू अगर ज्यादा है, इसके लिए क्या हो सकता है? इसके लिए क्या हो सकता है? चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। चेंज इन वॉल्यूम का जब वैल्यू ज्यादा होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम अगर ज्यादा है, इसका क्या मीनिंग निकालेंगे? फॉर सॉइल प्रॉपर्टीज, फॉर सॉइल प्रॉपर्टीज हम लोग क्या वैल्यू निकालेंगे? सॉइल का प्लास्टिसिटी में हम लोग सकते, सॉइल का क्या है ना। तो इफ श्रिंकेज रेशियो इज हाई, देन वी कैन एनालाइज, मेनली जो श्रिंकेज रेशियो है, श्रिंकेज रेशियो से हम लोग सॉइल का प्लास्टिसिटी के बारे में पता करते हैं, है ना, उसका इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो इफ श्रिंकेज रेशियो इज हाई, अगर श्रिंकेज रेशियो हाई है, मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि सॉइल मेरा हाईली प्लास्टिक है, हाई प्लास्टिसिटी वाला सॉइल है। अगर श्रिंकेज रेशियो लो है, मतलब लो प्लास्टिसिटी का सॉइल है, मतलब उसमें जो चेंज इन वॉल्यूम का प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही लेस है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ भी आ नहीं, मतलब वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ना चाहिए, वॉल्यूम में इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर टू डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ है, W1 एंड W2 एंड चेंज इन वॉल्यूम इज द V1 एंड V2, दो सैंपल के लिए, उस कंडीशन में अगर सिंकेज रेशियो निकाला हुआ है, दिस इज द रेशियो फॉर कैलकुलेशन ओनली, डिफिनेशन हमारा वही है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, बट ये सिंकेज रेशियो कैलकुलेट किया गया है, सिंकेज लिमिट नहीं। सिंकेज लिमिट को हमने डिफाइन किया कि वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर दो सिंकेज लिमिट के बारे में बोला जाए ना, टू डिफरेंट सॉइल सैंपल के लिए, देन वी कैन कैलकुलेट सिंकेज रेशियो। तो अगर दो सॉइल को कंपेयर किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि सिंकेज रेशियो हाई है डिफरेंट कंडीशन में, मतलब डिफरेंट वाटर कंटेंट में, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम हम बोल सकते हैं कि सॉइल में अगर वॉल्यूम चेंज का प्रॉपर्टीज रख रहा है, मतलब सॉइल का प्लास्टिक नेचर हाई है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फर्स्ट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, IP। वो पढ़े होंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। IP इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, WL इज द लिक्विड लिमिट, WP इज द प्लास्टिक लिमिट। सो इट इज द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी इन सॉइल, जो हमें क्या शो करता है, प्लास्टिक प्रॉपर्टीज, है ना, प्लास्टिक प्रॉपर्टीज। जनरली न्यूमेरिकली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूमेरिकली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो फॉर ग्रेवल, ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल एंड सैंड में कोई प्लास्टिक प्लास्टिसिटी होगा क्या? IP का कुछ वैल्यू होगा क्या? बोलो, ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल सैंड, फॉर ग्रेवल एंड सैंड प्लास्टिसिटी का वैल्यू कुछ होगा? जीरो। जीरो होगा मैम। यस, क्योंकि लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट फॉर ग्रेवल एंड सैंड क्या होता है, जनरली कोइंसाइड होता है, इक्वल होता है, ठीक है। फॉर सिल्ट, सिल्ट एंड क्ले के लिए, हाँ होगा, प्लास्टिसिटी होगा, है ना। किसमें ज्यादा होगा? तो क्ले में ज्यादा होगा, क्ले में प्लास्टिसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि क्ले में
लिक्विड लिमिट का वैल्यू ज्यादा होता है। तो जनरली एक वैल्यू डिफाइन किया गया है, वैल्यू का एक रेंज दिया गया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए, दैट इज फॉर सिल्ट। सिल्ट के लिए वैल्यू होता है 10 to 15। फॉर क्ले, क्ले में हमारा टू टाइप्स का है, आइदर एलेवियल सॉइल आइदर ब्लैक कॉटन सॉइल, मतलब जो बेंटोनाइट सॉइल होता है। तो फॉर क्ले अगर मिला एलिवियल सॉइल है, तो फॉर एलिवियल सॉइल, क्योंकि एलिवियल सॉइल में थोड़ा सिल्ट का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, तो इन रेंज होता है, सिल्ट के रेंज में ही होता है, दैट इज 15 to 100। फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल, फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर बेंटोनाइट सॉइल बोल सकते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी क्या होता है, वेरी हाई। ब्लैक कॉटन सॉइल का नेचर ही है हाईली प्लास्टिक, मतलब उसमें जो वॉल्यूम चेंज का जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। थोड़ा सा वाटर कंटेंट उसे मिलाओगे कि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्लास्टिसिटी उसमें आ जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में अगर थोड़ा भी जानते होगे तो बस वो एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि हाईली प्लास्टिक नेचर का सॉइल होता है। हाईली प्लास्टिक मतलब क्या, उसमें वॉल्यूम का जो चेंज होता है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब श्रिंकेज एंड क्या, अगर ड्राई होता है तो बहुत ज्यादा हाई श्रिंकेज हो जाता है, हाई श्रिंक हो जाता है, मतलब सॉइल मेरा ड्राई हो जाता है, थोड़ा वाटर देते हैं तो सॉइल मेरा क्या हो जाता है, बहुत ही चिपचिपा हो जाता है। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इज हाईली प्लास्टिक सॉइल, मतलब इसका जो प्लास्टिसिटी होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, दैट इज अबाउट 200 to 250। सी द डिफरेंस, 200 to 250 प्लास्टिसिटी वैल्यू फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। जो भी बेंटोनाइट सॉइल का जो ग्रुप है उसका प्लास्टिसिटी हाई होता है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आईपी इन परसेंटेज, ये हमारा वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब हमें जो वैल्यू दिया गया है आईपी का फॉर प्लास्टिसिटी रेंज के लिए, IP and range of plasticity, ठीक है। If IP zero, मतलब क्या, मीनिंग क्या निकलता है, इफ आई पी जीरो, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वॉट, नॉन प्लास्टिक इन नेचर, नॉन प्लास्टिक नेचर मतलब कि सैंड एंड ग्रेवल टाइप कुछ सॉइल होगा, है ना, नॉन प्लास्टिक। If IP is less than 7, then we can say soil is in low plastic nature, मतलब कुछ silty type का properties रखेगा, silt से भी ज्यादा low है। Silt का range कितना था, 10 to 15, है ना, हमें मिल रहा less than 7, मतलब sandy silt type कुछ soil होगा हमारे पास। If plasticity range is the 7 to 17, that show the medium plastic nature of soil. If greater than 17, मतलब high plastic nature, ये किसके लिए valid होगा, ये किसके लिए वैलिड होगा, ग्रेटर देन 17 किसके लिए वैलिड होगा, फॉर हाईली प्लास्टिक सॉइल, मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, ठीक है। सेम एज अकॉर्डिंग टू जो हमने टू चार्ट बनाया उससे हमें एक चीज समझ में आया कि सील्ट इज लेस प्लास्टिक देन क्ले। सील्ट हमारा क्या होता है, लेस प्लास्टिक होता है किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू क्ले, क्लियर है, याद रखोगे, सील्ट इज लेस प्लास्टिक देन क्ले, ओके, यस मैम, यस मैम, ओके। मुझे ये बताओ कि ऑर्गेनिक सॉइल में क्या कंडीशन होगा, ऑर्गेनिक सॉइल किस टाइप का सॉइल होगा, ऑर्गेनिक सॉइल भी ना उसमें वो हाईली प्लास्टिक सॉइल होता है, वो भी बहुत चिपचिपा होता है, थोड़ा पानी मिलाओगे चिपचिपा हो जाएगा, ठीक है।
तो ऑर्गेनिक सॉइल इज आल्सो क्या कैन आल्सो हाई प्लास्टिक सॉइल, या वी कैन आल्सो से डब्ल्यू एल मतलब लिक्विड लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है, हाई होता है फॉर ऑर्गेनिक सॉइल. तो जो प्लास्टिसिटी हमने अभी पढ़ा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये क्या शो करता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा किस टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब वॉल्यूम चेंज का प्रॉपर्टीज. मैं बताई ना अभी कि प्लास्टिसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीज कितना हो रहा है ये शो करता है. सो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल हमारा क्या शो करेगा कि डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल. डिफॉर्मेशन मतलब क्या, आइदर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चेंज, आइदर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पे हम लोग कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. तो प्लास्टिसिटी इज द वर्चू ऑफ सॉइल विच शो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग फ्रैक्चरिंग और रपचरिंग. विदाउट क्रैकिंग फ्रैक्चरिंग और रपचरिंग हमें क्या शो करता है, डिफॉर्मेशन, है ना. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रॉपर्टीज है, कौन सा इंडेक्स प्रॉपर्टीज है, दैट इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स. व्हाट इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, आल्सो से रिलेटिव कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इंडेक्स हाउ वी डिफाइन कंसिस्टेंसी, अभी हमने पढ़ा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, अभी नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी. प्लास्टिक इंडेक्स क्या था, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी. कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, व्हाट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स, डब्ल्यू एल माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स. डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन दैट इज रिप्रेजेंट बाय आई सी. सो आई सी इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल एंड इट्स नेचुरल वाटर कंटेंट टू इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है ना. वी कैन ऑल्सो हियर राइट क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन एंड वॉट इज द आई पी, आई पी इज द डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी. दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल. समझ में आया, करेक्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ, यस मैम, यस मैम, ओके ठीक है. सो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या शो करता है, कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा सॉइल का, कौन सा बिहेवियर, जैसे कि प्लास्टिसिटी क्या शो कर रहा था, हाईली डिफॉर्मेशन सॉइल के लिए, हाईली प्लास्टिक चेंज सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी चेंज शो कर रहा था, मतलब हाउ मच सॉइल इज डिफॉर्म, है ना. एंड व्हाट इज द कंसिस्टेंसी, मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होगा, अच्छा ये बताओ कि अगर मेरा नेचुरल वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, इफ नेचुरल वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, मतलब जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है न्यूमरेटर का जो वैल्यू है दैट इज डब्ल्यू एन ग्रेटर देन डब्ल्यू एल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई सी एंड सॉइल मेरा किस कैसा होगा. If WN greater than WL, मतलब लिक्विड लिमिट से अगर मेरा नेचुरल वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, मीन्स सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट. WL क्या है, लिक्विड लिमिट, मतलब आफ्टर लिक्विड लिमिट, अगर जो वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट में जो वाटर कंटेंट शो कर रहा था WL अमाउंट पे, हमारा सॉइल है जो टेंस टू फ्लो हो जाएगा, है ना, टेंस टू फ्लो. अगर इससे ज्यादा वाटर कंटेंट मिला दिए डब्ल्यू एल से ज्यादा, मतलब क्या, वाटर तो बिल्कुल फ्लो ही कंडीशन में आ जाएगा, तो सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. समझ में नहीं आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे डब्ल्यू एन इफ डब्ल्यू एन ग्रेटर देन डब्ल्यू एल
एज वी डिस्कस WL, व्हाट इज WL? एट WL मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी फ्लो, सॉइल टेंस टू फ्लो। यहाँ पे इस अमाउंट ऑफ वाटर पे सॉइल टेंस टू फ्लो था, तो इस अमाउंट से अगर हमने ज्यादा वाटर मिलाया मतलब क्या, सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में हमारा सॉइल आ गया। जस्ट फ्लो, यहाँ पे जस्ट फ्लो था, है ना, कि फ्लो का टेंडेंसी बस रख रहा है लेकिन फ्लो नहीं कर पा रहा। इससे अगर ज्यादा पानी मिला दिया तो वो फ्लो ही सॉइल हो जाएगा, मतलब सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट, सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। बट व्हाट इज आईसी, बट व्हाट इज आईसी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन जीरो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि मेरा वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव में वैल्यू आ गया ना आईसी का, WL माइनस WN, WN मेरा ग्रेटर हो गया, देन क्या हो जाएगा, आईसी लेस देन जीरो। क्लियर है? अब नेक्स्ट कंडीशन, इफ WN, WN lies between WL and WP, वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट हमने ऐसा मिलाया कि वो उस सॉइल के लिए जो प्लास्टिक लिमिट था उससे ज्यादा हो और उस सॉइल का जो लिक्विड लिमिट था उससे कम हो, उस कंडीशन में क्या होगा, व्हाट इज द सॉइल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द सॉइल स्टेट, सॉइल किस स्टेट में होगा, प्लास्टिक स्टेट, सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट। व्हाई? क्योंकि हमने लिक्विड लिमिट से कम वाटर कंटेंट रखा है, दैट मीन्स सॉइल इज इन क्या, प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, एंड व्हाट इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, है ना। एंड सी द थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, अगर हमने वाटर कंटेंट लेस देन WP रखा, मतलब जो हमारा प्लास्टिक लिमिट था उससे भी कम वाटर कंटेंट रखा, देन व्हाट इज द स्टेट ऑफ सॉइल, What is the state of soil? Semi-solid. Soil is in semi-solid, or we can also say soil is in, but not in, sorry, soil is in only semi-solid. हम लोग shrinkage limit पे cross नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो soil हमारा क्या होगा? Semi-solid state में रहेगा. That means what is the IC value? Consistency index का value क्या हो जाएगा? WN एंड WP का सोचो, WN लेस देन WP, मींस IC ग्रेटर देन 1, है ना, IC हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो ना WN WP के टर्म में। So, ये क्लियर है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्लियर है सबको। नेक्स्ट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिक्विडिटी इंडेक्स करेंगे, अभी हम लोग की क्लास अभी एंड होने वाली है, तो एक और सेशन है तुम लोग का, दैट इज वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग का फ्रॉम 10:40, ठीक है? तो वो क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आज का क्लास अभी मैं एंड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू एवरी वन, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।